नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हो गया 9 तारीख और मैंने शायद 7 तारीख को मॉडल टेस्ट दिया था और मैंने ये भी कहा था कि इसका आंसर मैं बाद में दूंगा, लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना उससे अच्छा है कि मैं PDF में ही डाल दूँ। तो कई लोग PDF में देख नहीं पाए हैं कि उसका आंसर उसी में दिया हुआ है। टेस्ट दिला लिए हैं, कई लोग आंसर पूछ रहे हैं मेरे को और कई लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि 12 घंटा हो गया है। और कुछ लोग बहुत बेहतर ढंग से टेस्ट दिलाए हैं, भेज भी रहे हैं कि सर हमारा इतना सही हुआ है। उन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया और साथ ही साथ जो टेस्ट दिलाए और जो इसको टाइम पास समझ कर टेस्ट दिलाए होंगे, ऐसी टेम्प्ररी तो मैं उसको नहीं कह सकता, लेकिन जो इसको समझ करके बहुत ही अच्छे ढंग से टेस्ट दिलाए हैं। जैसे एक साथी ने बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा कोई त्रुटियां निकालते हैं, मुझे सुधारने का मौका मिलता है। जैसे एक साथी ने तीसरा प्रश्न का उत्तर मैंने गलत लिया है, यहाँ पे गलत लिया नहीं, गलत हो गया है, ठीक है। मैंने जहाँ बनाया है रफ बनाया वहाँ पर सही डला हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको थोड़ा सा गलत कर दिया, तो यहाँ पर तीसरा नंबर पर ए रहेगा। और उसी प्रकार से एक साथी ने यहाँ पे दिया कि सर आप यहाँ पे भी आंसर सी ले लिए हो, तो यहाँ पे आप मेरा आंसर गलत हो गया है, तो यहाँ पे आंसर मेरा बी रहेगा। मतलब समझिए कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था और जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन किया है और समझा है उनको ज़रूर ये आंसर देखे होंगे और समझ में आया होगा। जिस प्रकार से व्याकरण में थोड़ा सा त्रुटि हो जाता है उसी प्रकार से यहाँ पे लिखित मतलब प्रिंट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि इसको बहुत जल्दी बनाना था और बन चुका है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा आप लोगों का कितना सही हुआ है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स सॉरी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा 150 में आपका कितना सही हुआ है और आप में आत्मविश्वास कितना बढ़ा है। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।